जिला अध्यक्ष प्रकाश गौसम ने R9 भारत राष्ट्रीय न्यूज चैनल के माध्यम से अवगत कराया। हरदा कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव कर जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन ने सौंपा ज्ञापन। जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन ने हरदा कलेक्टर के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से बताया कि आए दिन दलित आदिवासियों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। गलत तरीकों से आदिवासियों की जमीनें छीनने की कोशिश की जा रही है। ऐसा ही एक मामला कृषि मंत्री कमल पटेल के विधानसभा क्षेत्र की हांडिया तहसील के ग्राम रतातलाई का है। रतातलाई के आदिवासी किसान अशोक सिंह ठाकुर के स्वामित्व व आधिपत्य की कृषि भूमि, जो कि अशोक सिंह की खानदानी कृषि भूमि है, उक्त कृषि भूमि पर कृषक किसानी कर अपने परिवार का भरण पोषण करता है, लेकिन गैर आदिवासी वर्ग के कुछ किसान मिलकर न्यायालय तहसीलदार हांडिया के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर झूठे एवं अस्त साक्ष्य पेश कर आम रास्ता के लिए आदेश पारित करवा लेते हैं, जबकि उन किसानों की कृषि भूमि तक पहुँचने का दूसरा रास्ता है। लेकिन गैर आदिवासी किसान उस रास्ते को उपयोग में न लेकर आदिवासी कृषक की खानदानी भूमि पर से रास्ता चाहते हैं, जो न्यायोचित नहीं है। ज्ञापन देते समय धन सिंह भलाई, पुरुषोत्तम कलम, सुनील चौहान, राकेश कलम, राकेश काकोड़िया, महेंद्र कासिव एवं अन्य सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आदिवासी कृषक की भूमि हड़पने के उद्देश्य से गैर आदिवासी व सामान्य जाति के व्यक्तियों के द्वारा गैर कानूनी रूप से अनाधिकृत आम रास्ता बनाने के विरुद्ध ज्ञापन। महोदय, आदिवासी कृषक अशोक सिंह ठाकुर, पिता नन्नू सिंह, जाति कोरकू, वर्ग अनुसूचित जनजाति, निवासी ग्राम रातातलाई, तहसील हंडिया, जिला हरदा, मध्य प्रदेश के स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि खसरा नंबर 213/1 रकबा 0.591 हेक्टर स्थित ग्राम रातातलाई, तहसील हंडिया, जिला हरदा में स्थित है। उक्त कृषि भूमि कृषक की खानदानी कृषि भूमि है, जिस पर वर्तमान में फसल लगी हुई है। कृषि की जाति कोरकू, वर्ग अनुसूचित जनजाति है। उक्त कृषि भूमि पर कृषि कार्य करके अपने परिवार का भरण पोषण करता है। इस कृषि भूमि पर से कभी भी किसी प्रकार का आवागमन का रास्ता या रूढ़िगत रास्ता नहीं रहा। इसके पश्चात भी प्रकरण के माध्यम से न्यायालय तहसीलदार हंडिया को गुमराह कर असत्य व बनावटी झूठा प्रकरण लगाकर असत्य साक्ष्य प्रस्तुत कर उक्त प्रकरण के आवेदकगण शिवपाल सिंह राजपूत, देवेंद्र सिंह राजपूत, सुमन भाई राजपूत, धर्मेंद्र सिंह राजपूत, देवी सिंह राजपूत, अनार सिंह राजपूत, जगदीश जाट, रेवाराम जाट, बलराम उर्फ बलराम ब्राह्मण, उक्त सभी लोग सामान्य वर्ग के द्वारा उक्त कृषक उक्त खसरा नंबर वाली कृषि भूमि को हड़पने के उद्देश्य से तहसीलदार हंडिया को के न्यायालय से आदेश जारी करवा दिया है, जबकि उक्त प्रकरण उक्त कृषक को पक्षकार नहीं बनाया गया है, उसके पुत्र मानवेंद्र को पक्षकार बनाया गया है। खसरा नंबर 213/1 कृषक के पुत्र मानवेंद्र के नाम से राजस्व अभिलेखों में दर्ज नहीं है। उक्त प्रकरण में जारी आदेश दिनांक 20/9/2021 के विरुद्ध कृषक के पुत्र में न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी राजस्व हरदा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर दी है, जिसका प्रकरण क्रमांक 00/47/appeal/2021-22 है, जो लंबित है। उक्त अपील R9 भारत के लिए साहिल की रिपोर्ट छिंदवाड़ा से।